नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद गठबंधन में एक बार फिर से तलवारें खींच गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भाजपा नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद इतने बौखला जाते हैं, या यूं कहें तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा को चुप कराने तक की नसीहत दे डाले हैं। अगर एनडीए गठबंधन को बचाना है तो उपेंद्र कुशवाहा को चुप कराना होगा, ये बातें अब सामने आ गई है। हालांकि गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता है, मंत्रालय का कामकाज और सभी मंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने को तैयार हैं। सभी परेशानियों को एक तरफ रखते हुए, गठबंधन के तमाम विचारधारा को एक तरफ रखते हुए नीतीश कुमार के साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तब ज्यादा एग्रेसिव होती है जब उपेंद्र कुशवाहा कुछ बयान दे देते हैं। फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अगर संजय जायसवाल को कुछ जानकारी है तो वो नीतीश कुमार को दे दे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवल किशोर यादव ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा न 3 में न 13 में है, फिर भी वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे गठबंधन सही रूप से चलेगा? अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा सामने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर लगाम लगाना होगा, इसलिए कि वो जब जब बयान देते हैं गठबंधन में बड़ा झमेला होता है और उपेंद्र कुशवाहा को चुप रहने की नसीहत उन्होंने दी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने बड़ा दावा भी किया है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहती है, लेकिन कुशवाहा उस समन्वय को स्थापित नहीं रखना चाहते हैं। कुशवाहा नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन रहे, कुशवाहा नहीं चाहते हैं कि ये जो समन्वय की स्थिति है वो रहे, और इसलिए वो लगातार बयान देते हैं। जदयू के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं अब उस स्थिति में डाल दिया जाना चाहिए जहां से उनके बयानों का भारतीय जनता पार्टी पर कोई महत्व ना हो। यानी साफ तौर पर या तो उपेंद्र कुशवाहा को उस पद से हटा दिया जाए या उपेंद्र कुशवाहा को चुप करा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बयान दिया है और ऐसी परिस्थिति में देखना ही होगा कि भाजपा के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर है। ललन सिंह के बयानों को अगर छोड़ दे तो जदयू में कुशवाहा के बयान को लेकर काफी भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव की स्थिति हो जाती है और ऐसे में एक बार फिर से उनके बयान को लेकर ही टकराव होना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर कब हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जब से जनता दल यूनाइटेड में बुलाया है तब से भाजपा और जदयू के रिश्ते में और दूरिया और इस गठबंधन में तलवारें लगातार खींची रहती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।